শত রান করার পর ম্যান অফ দ্য ম্যাচ পাওয়ার পর 14টা ম্যাচ খেলায়নি, আর বিশেষ করে যখন আত্মবিশ্বাস পিকে থাকে তখন কেউ যদি ভাঙচুর করে দেওয়া একটা, তখন ওই প্লেয়ারটাই মরে যায় প্রায়। মহেন্দ্র সিং ধোনি জিসকো হম লোগ ক্যাপ্টেন কুল সে জানতে হ্যায়, মহেন্দ্র সিং ধোনি নে উসকে কেরিয়ার মে বহুত এসা প্লেয়ার থা জিসকা কেরিয়ার বানা দিয়া, লেকিন আপনে কবি সুনা হ্যায় কি মহেন্দ্র সিং ধোনি কিসি কা কেরিয়ার ভি দাবা কর দিয়া? হ্যাঁ দোস্তো, এসা এক প্লেয়ার জিনহোনে আবি দাবা কর রহা হ্যায় কি উসকা জো ইন্টারন্যাশনাল কেরিয়ার থা वो महेंद्र सिंह धोनी के वजह से पूरा फिनिश हो गया था। और वो प्लेयर है बेंगला मनोज तिवारी, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही रिटायरमेंट लिए थे, पूरा क्रिकेट से संन्यास लिए थे। और उसी दिन एक इंटरव्यू में वो बोला था कि उसका जो करियर था वो पूरा महेंद्र सिंह धोनी के वजह से खत्म हो गया था। और क्यों खत्म हुआ चलिए उसका क्लिप से ही जानते हैं। टीम का कैप्टन छिलो महेंद्र सिंह धोनी, माने मैं एकदम तुझे सरासरी जिज्ञासा कर ला। हां छिलो कैप्टन, वही तो छिलो कैप्टन के प्रति ওই আক্ষেপ রয়ে গেল। আবার এবার পুরো মুখ থেকেই শুনবো, যদি যেদিনকে যদি সুযোগ পাবো সময় পাবো কি এই প্রশ্নটা রয়েছে। হ্যাঁ করবো তো, মানে কি প্রশ্ন হবে মনোজ তিওয়ারি কি করবে ধোনিকে, কি আমি আমি শত রান আর ম্যান অফ দ্য ম্যাচ জেতার পর আমাকে প্লেইং ইলেভেন থেকে কেন বাদ দিলে? বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া সফরে যখন আমরা গেলাম তখন কেউ রান করছিল না, রোহিত করছিল, বিরাট করছিল, রায়না কেউ বড় রান করছিল, তারপরেও কিন্তু আমাকে প্লেইং ইলেভেনে রাখা হয়নি, সেই প্রশ্নটা থাকবে কারণটা কি? देखिए मनोज तिवारी वेस्ट बंगाल का एक प्रतिभावान क्रिकेटर था। वही मनोज तिवारी ने रणजी ट्रॉफी में बंगाल का कैप्टनशिप किया है, बहुत दिनों से कर रहा है। और इस बार उसके कैप्टनशिप के अंडर बंगाल का जो टीम था वो रणजी ट्रॉफी में एकदम पूरा, और उसी की वजह से मनोज तिवारी इस बार संन्यास लेने का पूरा क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया। और उसी रिटायरमेंट के दिन एक बंगाली न्यूज रिपोर्टर के सामने वो इंटरव्यू देता है कि कैसे क्यों उसको बर्बाद किया, कैसे बर्बाद किया महेंद्र सिंह धोनी। देखा जाए तो मनोज तिवारी का इंटरनेशनल करियर ओडीआई में डेब्यू हुआ था 2008, लेकिन 2008 में डेब्यू करने के बाद भी उसका उतना मौका नहीं मिल रहा था इंटरनेशनल करियर में। लास्ट में जाकर 2011 में वेस्ट इंडीज के साथ एक मैच हुआ था जिसमें मनोज तिवारी ने सेंचुरी लगाया और उस मैच में मैन ऑफ द मैच भी हुआ था, लेकिन उसके बाद ही नेक्स्ट मैच में उसको प्लेइंग 11 में रखा तो नहीं, टीम से सीधा टीम से ड्रॉप कर दिया गया। यही गुस्सा 15 साल से वो दिल पे मतलब दबा के रखा था। आप जब क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं और पूरा खोल के बात कर रहे हैं कैसे महेंद्र सिंह धोनी उसका करियर दबा कर दिया, कि उसको मौका नहीं मिला, सेंचुरी बनाया, मैन ऑफ द मैच हुआ, उसके बाद भी उसको एक मौका भी नहीं दिया गया। और ऐसे ही हुआ मनोज तिवारी के साथ, लेकिन वो आप बोल रहे हैं कि जब भी मौका मिलेगा महेंद्र सिंह को ये क्वेश्चन करेगा कि उसको टीम से निकल जाएगा, कि उसका करियर बर्बाद किया महेंद्र सिंह धोनी ने। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है इतना दिन के बाद क्यों, क्योंकि देखा जाए तो मनोज तिवारी ने अभी तक इस 10 साल में बहुत बार महेंद्र सिंह धोनी से मिल चुका है ऑलरेडी। इवन आईपीएल फ्रेंचाइजी पुणे राजेंद्र सुपर जायंट जो था उसमें भी साथ में खेला था, लेकिन तब भी वो क्वेश्चन वो उसका याद नहीं आया था। लेकिन अब इतना दिन के बाद क्यों ये क्वेश्चन क्यों, अगर ऐसा हुआ उस टाइम पे तब क्यों ये क्वेश्चन अरेज नहीं किया उन्होंने, ये गलती था मनोज तिवारी। लेकिन आज अगर ये बात करेगा तो जितना सारा फैंस है धोनी का फैन सब उसको ट्रोल करेगा, ऑलरेडी ट्रोल करने लग गए।